ताजनगरी आगरा में थाना सदर क्षेत्र में डकैती जैसे गंभीर अपराध में शामिल अपराधी की फर्जी दस्तावेजों से अधिवक्ता द्वारा जमानत करवा दी गई। जमानत लेने के बाद पेशेवर अपराधी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस जमानत देने वाले व्यक्ति के घर गई तो पुलिस को इस फर्जीवाड़े के बारे में पता चल सका। फर्जीवाड़े के शिकार पीड़ितों ने डीसीबी सिटी विकास कुमार को पूरे मामले से अवगत कराया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है। दरअसल फिरोजाबाद के पचोकरा के पावरी गांव निवासी राजेंद्र और नेकराम के घर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने घर पहुंचकर नेकराम और राजेंद्र से पेशेवर अपराधी के बारे में मालूमात की और ये बताया कि उन्होंने डकैती जैसे संगीन अपराध में पेशेवर अपराधी की जमानत दी है। ये सुनकर दोनों भाई सदमे में आ गए और उन्होंने कहा कि हमने कोई जमानत नहीं दी है। थाना सदर क्षेत्र में वर्ष 2022 में डकैती की गंभीर धाराओं में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पेशेवर अपराधी को हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई थी। जमानत में जिन खसरा खतौनी और आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ था वे फिरोजाबाद के पचोकरा के पावरी गांव के राजेंद्र और नेकराम के थे। इन दोनों व्यक्तियों को जब इस फर्जीवाड़े के बारे में पता लगा तो वे आगरा आए और डीसीपी विकास कुमार से इस पूरे मामले में मुलाकात की और फर्जीवाड़े के मामले में अवगत कराया। जांच करने आया हमारे नाम की डुप्लीकेट जमानत दे रही है। अच्छा, और हमें पुलिस परेशान कर रही है। अच्छा, तब पुलिस ने कही है तुम्हारी नहीं है, फोटू दूसरे तुम्हारा लिवा के लाओ। तब पिंजा आए हम लगवा से मिले थे पुलिस अधिकारी से, क्या काम उन्होंने फिर वकील को नाम लिख के भाग लाओ और मुंजमन को लाओ। हम कहा जाने मैंने मुंजमन में, तो मैं नहीं पता तुमने किसी की जमानत नहीं दी। हमने किसी की दी है, काहे पे जमानत लगी है? किस मामले पे जमानत थी ये पता है, मालूमात है इसकी? अब हमें जेब पटाना है। अच्छा, इससे पहले भी कोई आपकी फर्जी जमानत लगा दी गई थी? हाँ हाँ, ये दूसरा मामला है। हाँ जी, दूसरा। ठीक है, किस किस की जमानत लगाई है आपकी और राजेंद्र की? ये राजेंद्र कौन है? भाई है। नेकराम ने बताया कि उनके फर्जी आधार कार्ड बनाकर और खसरा खतौनी निकालकर पेशेवर अपराधी की जमानत दे दी गई है, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। इसके बारे में उन्होंने पुलिस उपायुक्त नगर से शिकायत की है। अभी दो भाई जो कि जनपद फिरोजाबाद के गांव पचोखरा के निवासी हैं, वो मेरे पास आए थे और उनका ये कहना था कि उनको माननीय न्यायालय से समन प्राप्त हुआ तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका किसी मुकदमे में जमानतनामा लगाया गया है। उनका ये कहना था कि जमानतनामा उन्होंने नहीं लगाया है और इस संबंध में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। आगरा पुलिस इसकी पूरी छानबीन करके कार्रवाई करेगी। पूरे मामले पर बात करते हुए डीसीपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि फर्जीवाड़े से जमानत देने का मामला संज्ञान में आया है। जिस अपराधी की जमानत दी गई है वह डकैती जैसे संगीन अपराध में लिप्त है। जिन अधिवक्ताओं के द्वारा इस कृत्य को किया गया है उनके खिलाफ जांच की जा रही है और जल्द ही मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। विजय महाराजा न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।